हरदा जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को कांग्रेस ने जिले की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। खरीदी केंद्रों में हो रही समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की ये चर्चा लगभग 2 घंटे तक चली। इस चर्चा में कलेक्टर द्वारा जिले के 3 एसडीएम को निर्देश भी दिए, साथ ही कुछ बंद पड़े खरीदी केंद्रों को चालू कराने की मांग भी की, जैसे आलमपुर, दीपगांव, नौसर आदि। इस मीटिंग में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहा कि करताना बेल्ट में प्रशासन किसान के अच्छे गेहूं को भी रिजेक्ट किया गया था, उसको खरीदने की मांग भी की गई। जैसे कि अभी बहुत सी सोसाइटी और खरीदी केंद्र है वो बंद पड़े हुए थे, उन्हें चालू करवाना था। अभी एक समस्या आ रही है कि इधर के किसानों को उधर कर दिया गया हल्का नंबर के हिसाब से, तो उसमें कुछ दिक्कतें किसानों को हो रही हैं, उसकी सुधार की हमने मांग करी है। इसके साथ ही कल करताना में गया था, करताना में एक किसान थे, उस किसान का एक अच्छा माल था, अच्छा गेहूँ था, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था प्रशासन द्वारा। तो उसके माल को लेकर मैं कलेक्टर साहब के पास गया था, कलेक्टर साहब को दिखाया, सैंपल दिखाया, और कलेक्टर साहब ने भी कहा कि नहीं, ये माल अच्छा है, इसे खरीदना चाहिए। फिर दोबारा जाके कलेक्टर साहब ने अनुमति लेके उस माल को तुलवाया भी था। एक मुद्दा और था कि कुछ 15 दिन पहले मैं सीएम साहब से मिला था, 10-15 दिन पहले मिला था मैं, तब हमने एक मांग करी थी कि ऐसे लोग या ऐसे किसान जिनको पानी की दिक्कत हो रही है, कम से कम उनको बोरिंग की परमिशन मिलनी चाहिए। तो वो कलेक्टर साहब ने बोल दिया, एसडीएम को आदेश कर दिया है कि जिन भी किसानों के यहाँ पीने के पानी की दिक्कत हो रही है, जिन मोहल्लों में पीने के पानी की दिक्कत हो रही है, तो कृषि के लिए नहीं लेकिन पीने के पानी के लिए अब बोरिंग वो करा सकते हैं एसडीएम की परमिशन के साथ। साथ ही जो किसान जो हैं जिनके यहाँ पे गंगोर हो रही है या फिर शादी हो रही है, वो अपना कार्ड लेके एसडीएम से परमिशन लेके अपना गेहूँ जल्दी तुला सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से चर्चा में जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार, पूर्व विधायक आर के दोगने, अभिजीत शाह और कैलाश पटेल सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।